अर्थक्वेक इन नेपाल, फ्लड्स इन केरला, अटैक्स इन पाकिस्तान, रेप इन मुंबई, ये इतने सारे न्यूज़ जो आप लोग हर रोज़ सुनते हैं, क्या इनमें से एक भी न्यूज़ आपके काम का होता है? न्यूज़ इज़ टू माइंड व्हाट शुगर इज़ टू बॉडी। शुगर खाने में अच्छा लगता है, आसानी से पच भी जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शुगर आपको शुगर दे देता है। सिमिलरली न्यूज़ हम लोगों को अच्छा लगता है देखने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे माइंड के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करता रहता है। मैं अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, पाँच साल से मैं न्यूज़ नहीं पढ़ रहा, 3 साल से मैं एक भी बार टीवी के सामने नहीं बैठा, और पिछले 8 महीनों से मैं फेसबुक व्हाट्सएप भी एकदम यूज़ नहीं कर रहा, और मेरी ज़िंदगी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। आप मेरी उम्र के किसी भी एक लड़के को मेरे सामने ले आइए, और शायद ही वो कोई एक ऐसा इन्फॉर्मेशन को बता सके जो कि उसको न्यूज़ से मिला हो, उसके काम का हो, और मुझे न पता हो वो बात। न्यूज़ हम लोगों के दिमाग के साथ पूरा खिलवाड़ करता रहता है, और मेरे पास आज वो 3 रीजंस हैं कि क्यों आपको न्यूज़ नहीं देखना चाहिए। इसमें से लास्ट वाला मेरा फेवरेट है, और मैं जब बताऊंगा कि वो रीज़न मेरा फेवरेट क्यों है, तो वो आपका भी फेवरेट हो जाएगा। वो रीज़न ही कुछ ऐसा है। सबसे पहला रीज़न, न्यूज़ आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करते हैं। न्यूज़ प्लेज विथ योर माइंड। न्यूज़ वाले आप लोगों को हमेशा स्कैंडलस चीज़ें दिखाते हैं, उन लोग आप लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं। अगर आप किसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को देखें, उनमें से हर कोई बोलता है, कोई किसी की नहीं सुनता, और पूरे 1 घंटे तक चिल्लाने के बाद कोई रिजल्ट भी नहीं निकलता उन लोगों का। उन लोग आते हैं, खुद से ही बात करते हैं, और फिर निकल जाते हैं, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। इसके अलावा न्यूज़ का जो पूरा का पूरा मॉडल है वो है एडवर्टाइजमेंट बेस्ड। उन लोग आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, और उसी एड से उन लोगों का मैक्सिमम पैसा आता है। अब उन लोग अगर आपको वो चीज़ें बताएंगे जो कि बोरिंग हैं लेकिन आपके काम की हैं, तो मैक्सिमम लोग उस चीज़ को नहीं देखेंगे। और क्योंकि न्यूज़ वाले चाहते हैं कि आप न्यूज़ के सामने सारा दिन, और आप जब उसके सामने लगे रहेंगे, तो उन लोग आप लोगों को सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, उसी एडवर्टाइजमेंट से उन लोगों के पैसे आते हैं। यानी कि उन लोग अपना काम तो कर रहे हैं, पर आप उन लोगों के चक्कर में अपना काम नहीं कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, आप 8 साल के बाद कहाँ जाएंगे अगर आप ऐसे ही काम करते रहे तो। सेकेंड इज़, न्यूज़ इज़ कम्प्लीटली इररेलेवेंट। अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो एक एवरेज आदमी अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में 30 न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ता है, और इस हिसाब से वो एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 11,000 न्यूज़ आर्टिकल्स ये पढ़ डालता है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि इन 11,000 में से कितने न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो कि आप लोगों ने अपनी एक्चुअल लाइफ में यूज़ करके अच्छे फैसले लिए, वो कौन सा न्यूज़ था आपने जो टीवी पे देखा और फिर उससे अपने कैरियर से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड कुछ अच्छे फैसले लिए, या फिर आप उस न्यूज़ को कंज्यूम करके कुछ काबिल बन गए? आंसर है एक भी नहीं। आपने इतना सारा न्यूज़ साल भर में देखा, लेकिन आपने उसमें से एक भी यूज़ नहीं किया। मैक्सिमम लोग शाम को अपने यहाँ पहुँचते हैं, 1 घंटा न्यूज़ देखते हैं, और अगली सुबह उस न्यूज़ का उनकी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कि न्यूज़ इज़ कम्प्लीटली इररेलेवेंट। और अगर न्यूज़ से वाकई आपको कोई फ़ायदा हो रहा होता, या अगर कोई भी आदमी जो हर रोज़ न्यूज़ देख रहा है, अगर उसको वाकई उससे कोई फ़ायदा होता, तो इसका मतलब जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जो न्यूज़ एंकर्स हैं, उन लोग पूरे वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट आदमी होते, उन लोग शायद सबसे अमीर आदमी हुआ करते। लेकिन आप अगर किसी न्यूज़ एंकर या न्यूज़ रिपोर्टर से कभी फेस टू फेस कीजिए बात, तो वो हम ही लोगों के जैसे हैं, हम ही लोगों की तरह नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। उन लोगों के पास किसी भी तरह की कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही मैं किसी ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर का नाम जानता हूँ कि जो कि अरबपति या करोड़पति लोगों की लिस्ट में आता हो। उन लोगों ने अब तक लाखों लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, 8-9 साल से पता नहीं कितने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स उन लोगों ने किए हूँ कंज्यूम, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, विच means that news is completely irrelevant. The last and my favorite one is news is a complete waste of time. ये मेरा फेवरेट क्यों है, इस पर बात करते हैं। उसके लिए कुछ हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स करते हैं। लेट सपोज इंडिया में 1 अरब लोग हैं जो कि हर रोज़ 1 घंटे का न्यूज़ कंज्यूम करते हैं। अब अगर हम 1 अरब को 1 घंटे से मल्टीप्लाई करें, तो वो होता है 1 अरब घंटे। एक नॉर्मल आदमी का 80 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है, एक एवरेज आदमी 80 साल तक जिंदा रहता है। 80 साल में होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख घंटे, और अगर हम 1 अरब को 7 लाख से डिवाइड करें, तो हम लोगों को मिलेगा 1428, मतलब 1428 जिंदगियां हैं उस 1 अरब घंटों में जो कि न्यूज़ में वेस्ट हो गए। यानी कि 1400 आदमी अगर पैदा होने से ले के मरने तक 80 साल तक खाए बगैर, सोए बगैर, नहाए बगैर लगातार काम करते, तो 1 अरब घंटे काम होते। और ज़रा सोचिए, इस 1 अरब घंटे में हम लोग कितना प्रोग्रेस कर सकते थे। 1400 लोग, एक आदमी नहीं। हम लोग हर रोज़ 1 घंटा फालतू का न्यूज़ देखते हैं, जिसका कि अगले दिन हमारी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये 1400 जिंदगियाँ हर रोज़
बेकार जा रही हैं। तो अगर मैं पूरा का पूरा रैप अप करके समराइज़ कर दूँ आपके सामने कि आपको न्यूज़ क्यों नहीं देखना चाहिए, तो सबसे पहला रीज़न है कि न्यूज़ आप लोगों को वो चीज़ दिखाता है जो कि आप लोगों को अच्छी लगती है, ना कि वो जो कि आपके लिए अच्छी है। क्योंकि न्यूज़ वालों को पैसे कमाने हैं, उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, इसलिए उन लोग आप लोगों को एंगेज करके स्कैंडलस चीज़ें दिखाएंगे और वो कहानियाँ सुनाएंगे, कभी काम की चीज़ नहीं बताएंगे। सेकंड वन इज़ न्यूज़ इज़ कम्प्लीटली इररेलेवेंट। न्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। 11,000 आर्टिकल्स एक साल में कंज्यूम करने के बाद भी आप वहीं के वहीं हर साल रह जाते हैं, उसी एक साल को 25 बार जीते हैं। 11,000 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद भी अगर आप एक साल में 11 किताबें पढ़ लें तो शायद आप कुछ प्रोग्रेस कर जाएं, लेकिन 11,000 न्यूज़ आर्टिकल सोचिए किसी काम का नहीं है। एंड द थर्ड वन इज़ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। 1 अरब घंटे हर रोज़ वेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, 1400 जिंदगियां हर रोज़ वेस्ट हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़ के चक्कर में। और अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि न्यूज़ हमारे काम का है या न्यूज़ हमको एक्चुअली कंज्यूम करना चाहिए, तो ज़रा कमेंट में मुझे बताइए वो कौन सा एक आखिरी न्यूज़ था जो कि आपने टीवी पे देखा और उसको अपने एक्चुअल लाइफ में इस्तेमाल करके कुछ अच्छे फैसले लिए या पहले से काबिल बन गए। अगर आप में से 7-8 लोग भी मुझे ऐसे रीजंस काउंट करा सकें जो कि उन लोगों के काम के थे, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, न्यूज़ वाकई काम का है। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय।